तो जैसा कि पाकिस्तान में कहते हैं, जिन्हें लो नहीं वेख्या वो जमया नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं जी। वालेकुम सलाम मामा, क्या अपना दुकान? और इन सब के अलावा यहाँ पे फेयर एंड लवली भी है, किसी को चाहिए हो। सो यूनिवर्सिटी से हम लोग अभी फ्री हो गए हैं। स्टैन भाई अभी फ्री हो गए हो? मैं तो फ्री। सो अभी हम लोग जा रहे थे ओश बाजार। तो जैसा कि पाकिस्तान में कहते हैं, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं जिन्हें ओश बाजार नहीं वेख्या वो बिश्की आया ही नहीं। तो ये हम क्यों कहते हैं ये आपको वहाँ पर जाके बताते हैं। बिश्कीक में ओश बाजार के अलावा और भी काफ़ी बाजार हैं। इसके अलावा मदीना बाजार है, दरदोई बाजार है, लेकिन ओश बाजार पाकिस्तानियों या पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मैसर आ जाती है। यानी कि अगर आपने शूज़ वगैरह लेने हैं, आपने कोई जैकेट लेनी है, या आपने कोई मेस का सामान लेना है अपने जो डेली यूज़ का होता है, वो आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है आसानी से। और जो न्यू स्टूडेंट आते हैं उनको ज़ुबान नहीं आती, उनको चीज़ों के नाम नहीं पता होते, तो यहाँ पे ऐसी शॉप्स हैं जो दुकानदार ऐसे हैं जिनको ना उर्दू भी आती है, यानी वो हिंदी भी समझ लेते हैं, उर्दू भी समझ लेते हैं, और चीज़ों के नाम उनको पता है, यानी कि उर्दू में। आप अगर उनको उर्दू में भी बताते हो तो आपको चीज़ आसानी से मिल जाती है। जब आप एंटर होते हैं सीधा, तो यहाँ से सीधा जाके आपने लेफ्ट साइड पर होना है, तो आपको बाज़ार मिल जाएगा जहाँ से आपको दालें, चावल और पाकिस्तानी अचार और इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, तो जाके आपको शॉप भी दिखाते हैं। सो बाकी मौसम की सूरत हाल यहाँ पे ऐसी है कि लास्ट वीक भी टेम्परेचर जो था वो नेगेटिव भी था, और इस वीक भी माइनस में ही है। काफ़ी ठंड है, अभी बोला भी नहीं जा रहा ठंड से मुझे मेरे से। तो आज का टेम्परेचर -3 से -7 के दरमियान है, और इस वीक में जो टेम्परेचर है -3 से -15 के दरमियान में रहेगा। तो सैटरडे को आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि -15 तक जाएगा। बाकी क्या पता कहाँ तक जाता है। चलो ब्रो। तो कल अच्छी खासी स्नोफॉल हुई थी, उसकी वजह से सारे रास्ते में बर्फ़ की वजह से कीचड़ बन गया और बहुत स्लिपरी हुआ हुआ ट्रैक सारा। वालेकुम सलाम मामा, क्या अपना दुकान? यहाँ पे अच्छा नेशनल अचार भी है यहाँ पे। चार और क्या चाहिए? और मसाले ब्रो मेरे ख्याल से सारे हैं, और यहाँ पे पत्ती भी है सारी पाकिस्तानी, सुप्रीम, टपाल, लिप्टन। इसके अलावा जुशांदा भी पड़ा हुआ है, लजीजा खीर, पत्ती ब्रो ले लिया, कैचअप भी है। अगर आपने थोड़ी थोड़ी यूज़ करनी है तो आप हेंस की और नेशनल की यूज़ कर सकते हो, और अगर ज़्यादा यूज़ करनी है तो ये वाली भी यूज़ कर सकते हो। रूह अफ़ज़ा नेशनल चाय जैसे पहले दिखाया आपको। ब्रो चीनी थोड़ी पड़ी हुई है, हो जाए और ले लेते हैं। फिर नेशनल की जैम भी है, ओह पाकिस्तानी बिस्किट्स, तुलसी, शाही मेवा और ये भी तुलसी। ब्रो तुलसी भी लेनी है, तुलसी इन्होंने 300 की कर दी है। इमली भी भाई पड़ी हुई है यहाँ पे, और इन सब के अलावा यहाँ पे फेयर एंड लवली भी है, किसी को चाहिए हो तो। अच्छा
आपको कोई साबुन वगैरह भी यहाँ से मिल जाएंगे, टॉयलेट पेपर और एयर फ्रेशनर, शैम्पू, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। उसके साथ दूसरी शॉप है वहाँ से हमें दाल, चावल, मसाले सारे नेशनल के या शान के जो भी आपको चाहिए, इमली, आलू बुखारा, अचार, सारा कुछ मिल जाता है इस शॉप से। इसके अलावा आगे भी एक शॉप है वहाँ से हम लोग सब्जियाँ वगैरह लेना चाहते हैं तो वहाँ से मिल जाती है, जी मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। साबुन कौन सा वाला साबुन भाई? पामोलिव। कौन सा? ये वाला कौन सा वाला? पैकेट ये वाला दा। ये हो गया। टिश्यू और टॉयलेट पेपर एक हो गया, दो पैकेट हो गया। टिश्यू और पोछा कपड़ा कितना? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। ब्रश 1,350। 6 किलो कितने का? 300। 6 किलो सस्ता 950। 4 किलो 650। ले लिए और क्या रह गया? साबुन भी ले लिया, शैम्पू भी ले लिया, डोमेस्टस भी ले लिया, साफ हो गया। सरफ लिया था यार, वैसे 4 किलो आया था। चल फिर रहने दो सरफ। नेत भाई क्या था? महंगा 580। ये था बोरो भाई दुकान तोड़ का 300। ग्लोबस नरोदने फ्रूंज आलमा ये वाला प्राइस 850। मैगजीन 580 सोम से और विचरन ना 580 सोम पे अलग तो 580 सोम ने ये 580 सोम कंपनी माना बने किए। चलो ओके मोस्ट कपड़े ले लें। हां ले लिए मोस्ट पजन 2 किलो का तो 580 सोम भाई की सो स्किप का भाई के दो सौ सामान हो गया तैयार। तू सामान है कहाँ तैयार? रुक 20 किलो चावल, 20 किलो आटा, 2 कतार, 2 बोरी तेल, 2 बोतल, 2 बोतल तेल, ओलिव। मामा ये जिस ने तो कौन सा वाला? ओलिव महंगा वाला, खराश हुई वाला, अच्छा वाला, अलेना। मामा स्कित का ठीक कुतुरुप 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 ये पेच किधर? पेच आपके पास है? कितना बना? जेती जिम हो गई स्टेट 8000 8490 रो 8490 बने। दोबारा मामा स्कित का ना स्कित का दा
That's some mama. I coffee pita. Ah, 8000 pancha some butter. Chalo. Okay. 9000. Ah, pancha 10000. No, mama 600 some. Oh, mere khuda yaar. 600 some. Tum sabr dost hai. Так, че вам все честно? Стасия. Не, не, не. Шопинг, шопинг. Мама, это сколько? Из сколько? Я, ликова. Ликова. Ликова, ликова. Мама, ну, бургер. Мама, каля, вот а че. Это ты, что, мна. Алло, чале гае? Байке? А, алло, готом огэ. आलू वाला फटे उठ गया यार यहाँ से तो आलू 50 किलो फ्राइज की दुकान डालनी है ओके ठंड बहुत है इसलिए ना दो बंदे ही हैं आज कुछ का 20 किलो गया 10 पोमी दारा 2 किलो दो किलो टमाटर दो किलो था दो किलो टमाटर भाई के हरी मिर्च ग्रीन मिर्च था ग्रीन मिर्च स्कूल का किलो पालक पालक ना था पालक नहीं पालक ना तो ग्रीन मिर्च स्कूल का किलो का 400 1 kg. 400? Да, вот такой, эти, вот такой. 0,5 килограмм. Да, вот такой. Полкилограмма я догнал. Вот такой есть это будет. 250 сом плохо. Нет, до 0,5 килограмма. А ты отдельно берешь, да? Полкилограмма. О, пол भी बहुत नहीं होता है. Полкилограмма, байки, полкилограмма. Я кучу сом зачерер был. Абин нью бас сихне ко мили бай 0,5 के अलावा पोल किलोग्राम भी कहते हैं आधा किलो मशीन में पोल किलो मशीन में कहते हैं कि कज्जी में मशीन में ओके 0.5 किलोग्राम 0.5 जो 5 किलो कर देते हैं 0.5 मतलब 0.5 भाई 5 किलो नोल का मतलब होता है 0 प्याज का मतलब होता है 5 0.5 ओके ओके कोई धनिया भी लेना है यार ठंड इतनी लग रही है मोबाइल ही नहीं पकड़ा जा रहा मेरे से मैंने स्नो वाले पहने हैं लेकिन ठंड फिर भी थोड़ी थोड़ी पहुंच रही है भैया आपको थोड़ी थोड़ी ना ड्रैग ओके भाई के प्रिया खलीद दिस इज ओए पकड़ी भाई के दिमाग काम नहीं कराई के क्या बाय बाय अल्लाह हाफिज ठंड बहुत है बिल्कुल भी मोबाइल जेब से हाथ बाहर रखा नहीं जा रहा लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी सामान हमने सारा ले लिया है अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और यहाँ पे पीछे के बंदे का आटा गिर गया और ये हमारी वाली गाड़ी जा रही है सामान लेके और उसके हाथ फुल रेड हो गए हैं ठंड से ठंड इतनी है कि गाड़ी वाली की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही अब इसने कोई चीज़ डाली है इसके अंदर तभी अब स्टार्ट हो जाए मैं भी इसकी गाड़ी में लोग कुछ कह रहे वो भी हो सकता है नहीं नहीं स्टार्ट कुछ स्टार्ट नहीं आया उसने ना वही तो ना कहना था सब चेक कर गाड़ी बहुत जदीद है ना इसकी यस
फिर भी Yandex में गाड़ी फिर भी ठीक आती है, ये यहाँ खड़ी होती है ना, तो ये सब Yandex आना ही ना, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, जाम जाना था हमने, लेकिन फिर भी सबसे थकी हुई गाड़ी बिश्की की यहाँ खड़ी होती है। और फाइनली गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, सारे पाकिस्तानी छोड़, ठंड जितनी है बाहर, आगे सामान नहीं था खाया जा रहा है, मैं तो कह रहा था कि हीटर चल रहा है गाड़ी में, मजा आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। चल बंद कर, तो बड़ा ठंड आ रही है यार, सही कहते हैं उनका कल मौत नहीं है, मैं तो कह रहा था तभी जाना पड़ना है सामान उठा रहे हैं, चल टैक्सी वैसे करवानी पड़नी थी दूसरी जगह ना, स्टार्ट होती थी ठंड वैसे बहुत है। टैक्सी लगवा रहा है ब्रो, आगे लगानी चाहिए थी यार, जगह नहीं है, सामान रखना नहीं, नीचे नहीं रखते, सीधा ले जाते, बंद हो गई, इससे गाड़ी नहीं लगी, चलो भाई सामान निकाले अब, вот вот сюда положите быстрее, у меня окей 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 окей, so that's all for today's vlog, milte hain agle vlog mein, tab tak ke liye take care and allah hafiz।